FII और FPI बैंक से थ्रू ही करती है, तो बैंक्स इनको मैनेज करती है, इनके शेयर्स को, इनके डेट को, इनके इक्विटी को, और इसके लिए कुछ चार्जेस लेती है बैंक्स। अब बैंक्स इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसको कस्टोडियल सर्विस बोल रहे हैं, और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और YouTube के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक GST लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, YouTube में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक और एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें GST के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर 221, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि HAM मॉडल क्या होता है, डिजाइन यानी कि आप रोड बनाएंगे भी, बिल्ड भी करेंगे, ऑपरेट एंड ट्रांसफर भी करेंगे। तो डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, या डिजाइन बिल्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ट्रांजेक्शन वन ट्रांजेक्शन टू। इसको मैं ट्रांजेक्शन वन मानू, इसको ट्रांजेक्शन टू मानू, या पूरे को ट्रांजेक्शन वन मानू, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कहता है HAM मॉडल में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नेचर क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये कैन नॉट बी आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, 13 सबसेक्शन 2 एंड 31 सबसेक्शन 5, जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि इस डेट को पेमेंट करना है, इस डेट को पेमेंट करना है, इस डेट को पेमेंट करना, वहां से आपको 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, माइलस्टोन जिसको बोलते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, इफ इनवॉइस नॉट इशूड टाइमली, डेट ऑफ सर्विस ऑफ प्रोविजन, यानी कि जो 13(2) का जो मेन क्लॉज था उसी में लगेगा। टैक्स लाइबिलिटी टाइमिंग अराइजेज एट इनवॉइस इश्यूएंस और पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, वही वही हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट ऑब्लिक एन्युटी इज इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर HAM प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन इनवॉइस, वही सारा कुछ वही है। इस पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लास्ट करता हूं मैं आपके साथ। 222, अगेन स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम एलोकेशन इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर 233, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम ऑपरेटर इज सर्विस रिसिपिएंट। और ये क्योंकि रिवर्स चार्ज में जाएगा, तो रिवर्स चार्ज में 60 डेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और 60 डेज में के माइलस्टोन से 60 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है बस। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो पूछिए। सर, वो जो अभी ये सर्कुलर के ऊपर में आप डायग्राम जो बना रहे हैं वो AI की मदद से बन रहा है क्या? हाँ अच्छा, वो सब बना देता है AI इसको? बहुत हाँ बढ़िया है सर ये तो। हाँ क्लाउड AI मैं अभी दिखाता है लेकिन काम नहीं कर रहा। ये तो क्लाउड अभी सर रिसेंटली उस इससे दिन सर डिस्कस कर रहे थे क्या, सर, एक सारे नोटिस में ना ये लोग क्रेडिट नोट के लिए हम लोग को नोटिस कर रहे हैं। अच्छा क्रेडिट नोट का वो हुआ नहीं ना, एक मिनट। नहीं सर, किसी पार्टी में हम लोग क्रेडिट नोट परचेस से नेट ऑफ कर दे रहे हैं ना, तो परचेस को 2A से कंपेयर कर लेते हैं लोग, कहते अच्छा एक मिनट। हैं कि सप्रेशन ऑफ स्टॉक है।